Hey guys, welcome to Commerce Paathshala. So today we are going to talk about the basic features of an organization. A very important topic for the examination. You will have to watch the video pura completely ताकि आपको जो है पूरा knowledge मिल पाए कि एक organization का जो basic features जो है वो क्या क्या होता है. And this question is very important for the examination as I said already. And please subscribe our channel and share it with your friends so that people will get to know about our channel. And they will get all the benefits जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने का या हमारे चैनल पे आकर के स्टडी करने का. अगर मल्टीपल बेनिफिट्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे. फिलहाल जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको अपने वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ. वेबसाइट पे ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. एक रुपए भी आपको चार्जेस पे नहीं करना है. सब कुछ हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. एंड आई एम टीचिंग यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से कर पाएंगे. एंड विसल चैप्टर वाइज क्वेश्चन के अलावा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमारे जो एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स हैं आप उनको बाय कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वीवीआई क्वेश्चंस उसमें होते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगर आप वहां से बाय करते हैं तो आपको वहां पे जो है उसका बेनिफिट मिलेगा. राइट, सो ये तो हो गया प्रमोशन. अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में. राइट, सो बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन हम किसे बोलेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या मतलब है, यहाँ देखो डेफिनेशन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो एन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप. ठीक है, एक तरह का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज दैट केम टुगेदर विद अ शेयर्ड पर्पस और ऑब्जेक्टिव. है ना, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ एंटिटीज. पीपल इंडिविजुअल्स तो सेम ही हो गया. ठीक है ना, इनका ग्रुप जो है मिल करके किसी एक शेयर्ड पर्पस, किसी एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साथ में मिल करके काम करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. आपको मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हो सकते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुप होगा डेफिनेटली. है ना, तो वो सब साथ में मिल करके उनका जो शेयर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि है किसी भी कंपनी को आगे लेकर के जाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना, उसके लेकर के वो लोग जो है साथ में काम करते हैं, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस कैन वेरी वाइडली इन टर्म्स ऑफ देयर साइज. जो ऑर्गेनाइजेशन उसका साइज जो है वो वेरी कर सकता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी कर सकता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके गोल्स के अकॉर्डिंग, बट दे ऑफन एग्जिबिट्स सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है ना, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके गोल्स के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे वेरी कर सकते हैं, बट सबका एक सर्टेन बेसिक फीचर जो है वो होता है और उसी को हम लोग अभी एक एक करके करने वाले हैं. सो हेयर आर सम ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. पहला है स्ट्रक्चर. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर जरूर होगा, पक्का होगा कि वो होना ही है. है ना, सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर दैट आउटलाइंस एंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. देखो यहाँ पे हायरार्की ऑफ अथॉरिटी की बात की गई है कि किस तरीके से काम किस तरीके से चलेगा. है ना, आपके सबसे हेड पे कौन होगा, उसके नीचे कौन काम करेगा, उसके नीचे कौन काम करेगा, उसके नीचे कौन कौन काम करेगा, तो एक हायरार्की होती है. तो यहाँ पे हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होगी, सबका अपना अपना रोल्स डिफाइंड होगा एंड रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप्स. है ना, हर बंदे का अपने ग्रुप के अंदर सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है बना हुआ रहेगा, वो एक स्ट्रक्चर उस तरीके का बना हुआ रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो है हेल्प करता है इंफॉर्मेशन के फ्लो को मेंटेन करने में, डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस में एंड अकाउंटेबिलिटी में. ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स. पर्पस दूसरा पॉइंट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई पर्पस होता है ना. अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं अगर आपको ये जो वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन पर्पस है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच पाए, जिससे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो पाए और मुझे भी फायदा हो पाए. मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे वॉच करेंगे, इसके व्यू टाइम्स के ऊपर, इसके ऊपर एड्स वगैरह चलते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत इनकम जो है हमारी हो जाती है, जो कि हमारा सोल पर्पस है. एंड इसके अलावा हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे डेफिनेटली बोथ साइड विन विन सिचुएशंस होता है. राइट, सो दिस इज इट. हर एक चीज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है. आप अगर एमकॉम का कोर्स कर रहे हो तो आपके पीछे कोई ना कोई पर्पस है. आप इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि आगे जाकर के आपको अच्छा जॉब करना है. राइट, बीकॉम बैचलर्स की डिग्री पे या मास्टर्स की डिग्री पे, आप जितना अच्छा डिग्री आपके पास रहेगा उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी, उतना एक्सपीरियंस आपका होगा, उतना प्रेफरेंस आपको मिलेगा किसी भी जॉब में. राइट, तो हर एक चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है. उसी तरह से किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा. ठीक है, तो ये उसका दूसरा फीचर है. An organization exists to achieve specific goals or fulfill a particular purpose. This purpose could be providing a product or services. है ना, यहाँ पे main purpose क्या हो सकता है कि आप products provide करो या services provide करो. जैसे कि मैं आपको services provide कर रहा हूँ, मैं आपको product sell नहीं कर रहा. हाँ, इन अ वे मैं product भी sell कर रहा हूँ. जब आप notes खरीदते हैं तो वो हमारा product ही है. Right?
बट हम लोग सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना सकते हैं चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। एडवोकेटिंग, हालांकि ये वाला सेशन के लिए नहीं है, ये वाला सेशन तो अब खत्म हो गया, अगले सेशन से हम लोगों का जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। एडवोकेटिंग फॉर कॉज, जनरेटिंग प्रॉफिट, कंडक्टिंग रिसर्च एंड एनी अदर ऑब्जेक्टिव दैट ब्रिंग्स द मेंबर्स टुगेदर, ठीक है ना। तो दीज आर द पर्पसेस जिसके बेसिस पे जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है या काम करता है, राइट। तीसरा पॉइंट है मेंबर्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होंगे, लोग होंगे, एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकता, या एक बंदे को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे, है ना। वहां लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा, ग्रुप ऑफ एंटिटीज होगा, तो ही हम उसको जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हु जॉइन टुगेदर वॉलंटरीली, जो कि अपनी मर्जी से एक साथ जुड़ते हैं और असाइंड रोल्स विद इन द ग्रुप, और सबको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और वो लोग सब मिल करके किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पाने की कोशिश करते हैं। मेंबर्स कैन इंक्लूड इंप्लॉइज, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इंप्लॉइज हो सकते हैं, वॉलंटियर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और एनी अदर इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बहुत सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, ये बेसिक फीचर है। चौथा है गवर्नेंस, है देखो, घर चलाने के लिए गवर्नेंस की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर घर को चलाना भी कोई बिजनेस को चलाने या कंट्री चलाने से कम नहीं है, है ना। छोटे लेवल पे है बट वो भी एक काम है। तो गवर्नेंस का मतलब यही है कि आप अपने बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से चला सकते हैं, है ना, सबको खुश रख करके, दैट इज योर मेन टारगेट, मेन गोल, है ना। तो गवर्नेंस होती है। सो ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन अ प्लेस टू मैनेज एंड रेगुलेट देयर ऑपरेशंस। दिस कैन इन्वॉल्व अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे देखो, उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास हो सकते हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हो सकता है, और अदर गवर्निंग बॉडीज और या फिर अदर बॉडीज हो सकती हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी डिसीजन मेकिंग में, आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को ठीक तरीके से चलाने में, ताकि आप जो है चीजें, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो लॉ के अंडर में रह करके, जो रेगुलेशन है उसके अंडर में रह करके आप करोगे, राइट। तो ये चौथा पॉइंट है, गवर्नेंस सभी को फॉलो करना होता है। पांचवा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रियल लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, या बिजनेस में हो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन मेंबर्स, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन टुवर्ड्स कॉमन गोल, है ना। जो भी आपका कॉमन गोल है, आप उसको पाने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस को, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू डू। छठा पॉइंट है रिसोर्सेज। तो हर बिजनेस का अपना अपना रिसोर्सेज होता है, और रिसोर्सेज के बेसिस पे ही आप काम करते हैं, और आप अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आप उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके अपने बिजनेस को भी और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो रिसोर्सेज इज वेरी क्या बोलेंगे, बेसिक फीचर है, ठीक है ना। सो ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर अ रिसोर्स टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज, है ना। पैसा भी रिसोर्स है, कैश भी रिसोर्स है। आपको अगर अपनी डेली एक्टिविटीज करनी है एज ए ह्यूमन बींग, अगर आपको करना है तो भी आपको पैसे लगेंगे, है ना। बिजनेस भी अगर आपको चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए भी आपको पैसे लगेंगे, है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कैश रिसोर्स हो, चाहे वो एसेट रिसोर्स हो, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, यू विल हैव टू यूज दोज रिसोर्सेज, यू विल हैव टू ऑप्टिमाइज दोज रिसोर्सेज, ताकि आप अपने बिजनेस के एक्टिविटीज को ठीक तरीके से कर पाओ और उसका बेनिफिट जो है सभी को मिल पाए। दीज रिसोर्सेज कैन इंक्लूड फाइनेंशियल कैपिटल, देखो बोला गया है यहाँ पे, फिजिकल एसेट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। सातवां पॉइंट है कल्चर। तो कल्चर तो भाई होता ही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर देखने को मिलता है हमें। ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, बिहेवियर्स दैट शेप द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी एंड गाइड इट्स एम्प्लॉई मेंबर्स एक्शन, है ना। तो कल्चर जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर ही एक तरीके से इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। इसको मैं पूरा रीड नहीं कर रहा, एक ही चीज है, कितनी बार एक ही चीज को रीड करूं। आठवां पॉइंट है अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी आपको समझ में आ रहा है कि जो भी सिचुएशंस होंगे, जो भी चेंजेस लॉ में आते हैं, अभी किसी भी तरह के चेंजेस आपको अगर आपके बिजनेस में देखने को मिलते हैं या आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको उतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि आप खुद को अडैप्ट कर पाए उन सारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और आप अपने बिजनेस को ठीक तरीके से चला पाए। तो अडैप्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इसको रीड नहीं कर रहा, मैं बस आपको इसका मीनिंग समझा दे रहा हूँ। नौवां पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्रो करते रहना है तो आपको अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है, कहाँ पे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसको और बेहतर मैं कैसे बना सकता हूँ। ये परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा, बेहतर और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, राइट। सो परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं इनके बेसिक फीचर्स में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड यस गाइस, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, फटाफट आकर के ले लो। और अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पे है। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है जस्ट आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड इट टू यू फॉर फ्री, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।